गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 3, विच इज द मैजिकल पॉरिज पॉट. ओके, बिफोर द मैजिकल पॉरिज पॉट का मीनिंग क्या होगा बेटा? मैजिकल मतलब जादुई, पॉरिज मतलब हलवा, ठीक है, और पॉट मतलब बर्तन, यानी कि बर्तन जिसमें पॉरिज बनता हो, जादुई बर्तन. तो इसमें क्या है, बिफोर यू स्टार्ट हेल्प रवि टू रीच हिज होम. रवि को आपको हेल्प करना है, उसके घर देखिए यहाँ पे है, उसको उसको रास्ता आपको ढूंढ के देना है जहाँ से वो अपने घर पहुँच जाए. आपको एरो से उसे पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा, उसके घर का रास्ता बना दीजिएगा. कहीं पे ब्लॉक हो जा रहा है, जहाँ 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 ओपन मिलता जाए वहाँ वहाँ से आप रास्ता निकल करके सीधे उसके घर पे पहुँचा दीजिएगा. फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. ओके, वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड रीना. सी लिव्ड विथ हर मदर. दे वर वेरी पुअर. एक समय था कि एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था, रीमा. ओके, वो अपने मदर के साथ रहती थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, और वो लोग क्या थे, बहुत ही पुअर थे, मतलब उन लोगों के पास पैसा वैसा नहीं था, गरीब थे वो लोग. वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट. ओके, देयर सी मेट एन ओल्ड वूमेन. ठीक है, उस एक दिन क्या हुआ, जो रीमा थी लड़की, वो कहाँ गई, फॉरेस्ट गई, जंगल में गई. वहाँ पे उसको एक ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत मिली. द ओल्ड वूमेन गेव हर अ पॉट. ठीक है, उस ओल्ड वूमेन ने क्या दिया, उसको एक पॉट दिया, एक बर्तन दिया, ये बर्तन जैसे ले नहीं रखी है, एक बर्तन दिया. ठीक है, और उसने क्या कहा, सी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट, इट विल कुक पॉरिज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक. ओके, उसने क्या बताया, जो बूढ़ी औरत ओल्ड वूमेन मिली थी, उसने क्या बताया रीमा को, कि ये एक मैजिक पॉट है और ये आपके लिए पॉरिज हलवा बनाने लगेगा जब आप इसे कहोगे कुक पॉट कुक. ओके, और फिर इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. और वो स्टॉप कर देगा पॉरिज बनाना कब, जब आप उसे बोल दोगे स्टॉप पॉट स्टॉप. ठीक है, रीमा वॉज वेरी हैप्पी. सी रैन टू हर मदर एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. जो रीमा थी वो बहुत खुश हुई. उसके बाद वो भाग के कहाँ गई, अपनी मदर के पास गई, और उनसे क्या बोला कि मदर अब हम लोग कभी भी हंग्री नहीं रहेंगे, वी विल नेवर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझको एक मैजिक पॉट मिल गया, एक मैजिक बर्तन मिल गया है. रीमा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक्ड पॉरिज. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज. तो फिर क्या हुआ, उसने अपने पॉट से कहा रीमा ने कुक पॉट कुक, तो जो पॉट था उसने इट स्टार्टेड मेकिंग पॉरिज, वो पॉरिज बनाने लगा, हलवा बनाने लगा, और फिर उसकी और उसकी मदर ने दोनों ने हलवा खाया और वो लोग बहुत ही खुश थे. वन डे व्हेन रीमा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री. सी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक. अब एक दिन क्या हुआ कि जो रीमा थी वो बाहर गई हुई थी कहीं पे, तो जो उसकी मदर थी उनको भूख लग रही थी, सी फेल्ट हंग्री, उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने पॉट से कहा कुक पॉट कुक. उसने उसको आदेश कमांड दिया कि हलवा बनाओ कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. तो जो पॉट था उसने वो हलवा बनाने लगा. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. अब उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने हलवा खा लिया तो उसके बाद उन्होंने उस मैजिक पॉट को बोला डू नॉट कुक पॉट, अब नहीं बनाओ. तो अब ये बात तो उसको समझ में आई नहीं, उसको तो जो उसको कौन सा कमांड देना था स्टॉप पॉट स्टॉप, तब वो रुकता, तो वो हलवा बनाता गया. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन जो पॉट था वो हलवा बनाता ही गया. सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर. अब क्या हुआ, थोड़ी ही देर में जो पॉरिज था वो बर्तन से निकल करके सारा जमीन पे स्पिल करने लगा, सब वो बाहर निकल के गिरने लगा. मदर कॉल्ड आउट अगेन नाउ वेरी वरीड वेट डू नॉट कुक एनी मोर. अब जो मदर थी वो डर गई, उनको काफ़ी डर लगने लगा, उन्होंने फिर चिल्लाया कि डू नॉट कुक एनी मोर, अब और नहीं कुक करो, वेट डू नॉट कुक एनी मोर. बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. लेकिन जो पॉट था वो नहीं रुका,
वो बनाता ही रहा, ठीक है। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलोड हर। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो उनका जो घर था वो हलवा से ही भरने लगा, तो मदर क्या की, वो सी रैन आउट ऑफ हर हाउस, वो अपने घर से भाग भाग निकली, लेकिन जो हलवा था वो इतना ज़्यादा बन गया था कि वो भी उसके साथ साथ आ गया, चल उसको फॉलो करने लगा, इतना सारा हलवा हो गया था। सून देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, और थोड़ी देर में क्या हुआ, जो पॉरिज था वो हर जगह हो गया। द होल विलेज सॉ इट, दे रैन टू ईट द पॉरिज। और क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ी देर में हलवा था वो सब जगह फैल गया, ठीक है। तो जो वहाँ गांव के लोग थे उन लोगों ने भी देखा और वो भाग करके आए हलवा पॉरिज को खाने के लिए, हलवा खाने के लिए। वेन रीमा केम बैक सी सॉ डेट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरिज एंड सी रैन एज फास्ट एज सी कुड। अब जब रीमा जब लौट के आई तो उसने देखा कि जो रोड है वो पूरी हलवे से भरी पड़ी है, तो वो क्या कि वो बहुत तेजी से, जितना तेज वो दौड़ सकती थी उतना तेज वो दौड़ के आई अपने घर की तरफ। सी हर्ड हर मदर साउट, रीमा द पॉट इज स्टिल कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। उसकी मदर ने चिल्लाया कि रीमा कि जो पॉट है वो अभी भी कुक कर रहा है, अभी भी हलवा बना रहा है और वो रुक नहीं रहा है, एंड इट विल नॉट स्टॉप, और वो रुक नहीं रहा है। रीमा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। तो रीमा ने जोर से चिल्लाई स्टॉप पॉट स्टॉप, जो कमांड उसको चाहिए था पॉट को रुकने के लिए, स्टॉप पॉट स्टॉप, फिर जो पॉट था वो रुक गया, इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज, वो हलवा बनाना उसने बंद कर दिया। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज ए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। तो ये तो आपको मालूम ही है, क्या नाम था छोटी बच्ची का, रीमा। तो हमने ऊपर देखिए लिखा है रीमा वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पॉट स्टार्ट कुकिंग, पॉट ने कैसे स्टार्ट किया कुकिंग को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द पॉट स्टार्ट कुकिंग पॉरेज व्हेन यू से टू इट कुक पॉट कुक। पॉट कैसे स्टार्ट करता था कुकिंग, जब आप उसको ये बोलते थे कुक पॉट कुक, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, हु केम टू ईट द पॉरेज, कि कौन आया पॉरेज खाने के लिए। तो आज का क्या आंसर हो जाएगा, द होल विलेज ईट द पॉरेज, जो पूरे के पूरे जो गांव के लोग थे वो सब लोग आकर के उस हलवे को खाए, जब वो फैलने लगा चारों तरफ तो सारे गांव के लोगों ने खाया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। बी एक्सरसाइज किया है, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, आपको राइट वर्ड इसमें चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रीमा लिव्ड विथ हर, फिर ए है मदर बी है फादर, रीमा किसके साथ रहती थी, तो उसका क्या हो जाएगा, रीमा लिव्ड विथ हर, ए ऑप्शन जो है वो सही है, मदर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मदर। फिर सेकंड क्या है, रीमा वाज डैश रिच और पुअर और रिच, तो रीमा क्या थी, पुअर थी कि रिच थी, तो सी वाज पुअर, तो आप क्या लिख देंगे, रीमा वाज पुअर। फिर थर्ड सेंटेंस किया है, फॉर द पॉट टू स्टॉप कुकिंग रीमा से स्टॉप पॉट स्टॉप या फिर स्टॉप कुक, तो क्या कहना होता था रीमा को, तो रीमा को क्या कहना होता था, ये जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो स्टॉप पॉट स्टॉप, तो यहाँ पे आप स्टॉप पॉट स्टॉप लिख दीजिएगा। अब हम सी एक्सरसाइज पे आते हैं, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए हैं इन्हीं से आपको इन बॉक्स को फिल करना है। टीना हैंडल मदर, बेटा यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें टीना जो है वो गर्ल लिख गया है, यहाँ पे होगा रीमा, ठीक है। रीमा एंड हर मदर वर वेरी, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, वर वेरी फ्लोर फॉरेस्ट या पुअर, तो वो लोग क्या थे, वो लोग बहुत पुअर थे ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसको पहले आप टीना को काट के रीमा लिख लीजिएगा, रीमा एंड हर मदर वर वेरी, यहाँ पे पुअर लिख दीजिएगा, POOR पुअर। फिर सेकेंड वन क्या है, वन डे रीमा वेंट टू ए, रीमा एक दिन कहाँ गई, तो वेंट टू ए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वेंट टू ए फॉरेस्ट, जंगल गई ना एक दिन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वन डे रीमा वेंट टू ए फॉरेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, द पॉरिज स्टार्टेड स्प्लिंग ऑन द, तो जो पॉरिज था वो कहाँ फैलने लगा, तो ऑन द फ्लोर आ जाएगा, जमीन पे ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे FLOOR फ्लोर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम एक्सरसाइज डी पे आते हैं, उसमें क्या करना है, रीड दिज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को जोर जोर से आपको बोलना है, कौन कौन से, लाई टाई पाई फ्राइड क्राइड ट्राइड, इन सब में क्या वॉवल साउंड जो आ रही है क्या है, आई ई, ठीक है, आई ई आ रहा है ना, देखो टाई पाई फ्राइड क्राइड ट्राइड, ठीक है, इन सब में क्या आ रहा है, आई ई। अब इसमें कोई क्या वर्ड है, लाउड क्लाउड फाउंड साउंड, ठीक है, राउंड ग्राउंड, इसमें क्या वॉवल्स आ रहे हैं, ओ यू, ठीक है, वॉवल साउंड ओ यू की है ना, तो लाउड क्लाउड फाउंड साउंड राउंड ग्राउंड, ठीक है, तो इन इन वर्ड्स को आप बोल बोल के पढ़िएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो ग्रामर की एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें क्या करना है, नाउन कलेक्टिव नाउन, आपने नाउन कौन कौन से पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा है नाउन में, ठीक है, और क्या पढ़ा है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ा है। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया, कलेक्टिव नाउन, जैसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है, जैसे सिंगुलर आपका कोई एक पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में होता है, प्लूरल आपको मैनी पर्सन मैनी प्लेस मैनी थिंग के बारे में बताता है, और अगर कहीं ग्रुप ऑफ पीपुल हो, ठीक है, तो उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, अगर किसी पीपुल का या किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, जैसे टीम, जैसे हम बोलते हैं टीम है, या फिर कोई क्राउड है, तो वो सब ग्रुप ऑफ पीपल जब हो जाएगा तो वो कलेक्टिव नाउन के, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन आर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही जैसे एनिमल हो, एक ही जैसे चीजें हो, या एक ही जैसे लोग हो, तो उनके ग्रुप को जिस नाम से हम बुलाएंगे वो नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, क्या, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर किससे बनती है, एक प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं ना, तो वो जो टीम होती है वो टीम आपका कलेक्टिव नाउन कहलाती है, ठीक है। फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का हवा में झुंड जैसे जा रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक जो होगा, जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। फिर थर्ड है अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अब बहुत सारे माउंटेन रेंजे, बहुत सारे पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, तो उनको क्या कहते थे हम, रेंज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, या अरेंज ऑफ माउंटेन, तो रेंज क्या है, रेंज आपका क्योंकि वो पहाड़ियों की वो है ना, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, वो जो आपका रेंज जो वर्ड है वो किसको शो करता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को, तो आपका रेंज वर्ड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मतलब नाउन ही है, नाउन का एक प्रकार है, एक टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स, ग्रुप पीपल का ग्रुप हो, एनिमल का ग्रुप हो, या थिंग्स का ग्रुप हो। फिर है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, फिर सेकंड क्या है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, इसमें जो एग्जांपल हम देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन में क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर का जो समूह होता है, जो कई सारे प्लेयर जो होते हैं टीम बनाते हैं ना, जैसे क्रिकेट में होती है क्रिकेट टीम या फुटबॉल की टीम, तो वो टीम ऑफ प्लेयर्स होती है, तो टीम जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। फिर बर्ड के झुंड को हम लोग कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड, तो फ्लॉक क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो रेंज आपका क्या है, रेंज फिर से आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फिर द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ओके, फाइंड द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स डेट मैचेज इट्स ग्रुप बिलो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे मतलब आपको इनके नेम बताने हैं, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, अ ग्रुप ऑफ क्रोज, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, इनके सबके आपको क्या बताने हैं, इन सबके वो बताने हैं आपको कि इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखिए हिंट भी दी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड बी है, तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन क्या हो जाएगा, ऑफ बी है, उसके बाद थ्री स्पेस दी हुई है, तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो ये ई का फर्स्ट है आपका, ई का फर्स्ट है,
तो उसको ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम क्या कहते हैं, बैंड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कॉल्ड अ बैंड। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है आपका अ ग्रुप ऑफ क्रोज, जो कौवे होते हैं, क्रो जो होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो उनके ग्रुप को देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आर, ग्रुप ऑफ क्रोज को हम लोग बोलते हैं मर्डर, MURDER, मर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए कहाँ दिया है, ये देखिए ये दिया, ठीक है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे चोयर, CHOOIR, चोयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए CHOOIR, चोयर, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स आपके क्या हो जाएगा, CHOOIR, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है इसमें अ ग्रुप ऑफ फिशेज, फिश के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो फिश के ग्रुप को क्या कहेंगे, इसमें देखिए आपका ये वर्ड आ रहा है, फोर्थ वर्ड इसका ओ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिश के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक है। ग्रुप ऑफ फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिशेज। उसके बाद क्या है, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, तो लॉयन के ग्रुप क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइड, कभी आप लोग डिस्कवरी वगैरह पे देखिए तो इसमें आएगा प्राइड, ये वर्ड सुनेंगे आप, ठीक है। फिफ्थ सिक्स, तो अब प्राइड ऑफ लॉयंस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ आंट्स, ग्रुप ऑफ आंट्स क्या कहते हैं, आर्मी, ठीक है, एन आर्मी ऑफ आर्ट्स, ग्रुप ऑफ आर्ट्स को हम क्या कहेंगे, ARMY, आर्मी, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, अब ये नीचे में कुछ हमको वर्ड्स दिए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। सब में आपको क्या करना है, देखिए ऐड सी के टू कंप्लीट दीज वर्ड, इन सब वर्ड जो दिए हैं इनके लास्ट में आपको सी के ऐड कर देना है, तो BACK, बैक, हमारा जो पीछे का हिस्सा बैक कहलाता है ना, तो BACK, बैक, ठीक है। फिर SICK, तो सी के आप ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, सिक मतलब बीमार, ठीक है। फिर थर्ड वर्ड क्या है, एफ एक्सरसाइज है, थर्ड वर्ड क्या है, KI, फिर आपने CK ऐड कर दिया तो क्या हो गया, किक, जैसे फुटबॉल में हम लोग किक मारते हैं ना पैर से मारने, वो किक कहलाता है, KICK, किक। फिर CHE, अब CHE में आप जब सी के ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेक, जो जैसे हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, चेक करना, चेक, CHE, चेक। अब आगे हमारी जी एक्सरसाइज, व्हाट इज द जी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पिक्चर एज क्लूज, ठीक है। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है इस पिक्चर को में हिंट जो दी हुई है, तो क्या फर्स्ट क्या है, एज ब्रेव एज, आपको एज ब्रेव एज किसकी तरह ब्रेव हो, एज ब्रेव एज, यहाँ पे पिक्चर है लॉयन की, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट वाले में लॉयन, ठीक है, LION, लॉयन। एज बिजी एज, ये क्या है, बी, तो जो बी होती है वो बहुत ही बिजी रहती है, हमेशा अपना शहद हमेशा बनाती रहती है, हमेशा वो काम पे लगी रहती है, तो एज बिजी एज ए बी, BEE आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, एज कनिंग एज ए, कनिंग मतलब चलाक धूर्त जिसे नहीं कहते हैं, तो ये किसकी पिक्चर है, फॉक्स की, तो एज कनिंग एज ए यहाँ लिख देंगे आप FOX, फॉक्स। देन आपकी फिर उसके बाद आ गई है एच एक्सरसाइज, उसमें क्या करना है, टॉक टू योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर या फ्रेंड से बात करनी है, क्या बात करनी है, आपको क्या बोलना है, व्हाट मस्ट वी डू इन ए गार्डन, सॉरी व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन ए गार्डन, हमको गार्डन में क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड पार्टनर से पूछना है व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन द गार्डन, तो आपका पार्टनर क्या कह रहा है, वी मस्ट नॉट पिक फ्लावर्स, हमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए गार्डन में। फिर क्या करना है आपको, यू मे यूज दीज वर्ड्स इन अ जू, तो इन अ जू, इन अ मेट्रो, ऑन द रोड, ये सब वर्ड, इन सब वर्ड से आप सेम सेंटेंस बनाइए और अपने पार्टनर से कन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, तो आप क्या नेक्स्ट
क्या पूछोगे, व्हाट मस्ट वी नॉट डू इन ए जू, हमको जू में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका पार्टनर क्या कह देगा, वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स। कुछ लोग जाते हैं ना, चिल्लाते हैं एनिमल्स के पास जा करके, ठीक है, तो उससे वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। या व्हाट वी मस्ट नॉट डू इन अ मेट्रो, हमको वहाँ मेट्रो में क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका पार्टनर क्या कहेगा, वी मस्ट नॉट रोम हियर एंड देयर, ओके, या फिर वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब को पैसेंजर्स, अपने पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी व्हाट मी व्हाट मस्ट व्हाट मस्ट वी नॉट डू ऑन द रोड, रोड पे हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका पार्टनर क्या कह सकता है, वी मस्ट नॉट रन ऑन द रोड, हमको रोड पे इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया, राइट राइट फाइव लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में फाइव लाइन्स लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कई बार कर चुके हो, तो आप अपने बारे में फाइव लाइन्स क्या लिख सको लिखते हो, पहले अपने आपको आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे अगर हम अपने लिए लिखें तो हम क्या लिख देंगे, आई एम अमित, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप लिख दीजिए आई एम 7 ईयर्स ओल्ड या 6 ईयर्स ओल्ड है। फिर आई रीड इन क्लास सेकेंड, फिर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ किड्स गुरुकुल स्कूल, और क्या लिख सकते हैं, माई फादर नेम इज, अपने फादर का नाम बता दीजिए, अपने मदर का नाम बता दीजिए। उसके बाद माई फादर इज ए लॉयर, ठीक है, माई फादर वर्क्स इन, जहाँ पे भी आपके फादर वर्क करते हो वो भी आप बता सकते हैं। फिर अपने बारे में और भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड इज नेहा, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नेम बता दीजिए, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। और क्या बता सकते हैं, माई फेवरेट कार्टून करेक्टर्स आर डोरेमोन, छोटा भीम, आपको आई लाइक टू वॉच डोरेमोन छोटा भीम ऑन टीवी, ये चीज़ मुझे देखना पसंद है। फिर अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं, हॉबी जैसे कि आपको क्या करना पसंद है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि आई माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, ओके, माई हॉबीज रीडिंग बुक, या फिर माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो हमने भी इसमें 4-5 लाइन्स इसमें लिखा है, तो आप ये भी देख करके इससे आप आइडिया ले करके अपने हिसाब से बना करके आपको फेयर कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जे एक्सरसाइज, इसमें क्या है, इसमें देखो एक अंकल बने हुए हैं ओल्ड मैन, वो एक किसी फार्म में खड़े हुए हैं ना, उसमें फ्लावर्स हैं, डॉग है, तो इस पर आपको 3 लाइन्स लिखनी है। तो आप इस पर क्या लिख सकते हैं कि एन ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग इन अ फार्म, ठीक है, इन अ लस ग्रीन फार्म, पूरा ग्रीन है ना, एन ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग इन अ लस ग्रीन फार्म है, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन द फार्म। फिर आप क्या लिख सकते हैं कि ही द ओल्ड मैन इज इन कंपनी ऑफ ए डॉग, ओके, और क्या लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन इज लुकिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ओके, तो ये आप 4-5 लाइनें इस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बेटा लिखा है, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा है देखिए, राइट 5 लाइन्स ऑन द गिवन पिक्चर, पिक्चर कंपोजिशन है, पिक्चर को देख करके आपको उसके बारे में लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ से आप द ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग इन अ लस ग्रीन फार्म, ठीक है, एक फार्म में खड़ा है ना, तो हमने क्या लिख दिया, एंड ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग इन ए लस ग्रीन फार्म, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन द फार्म, द ओल्ड मैन इज लुकिंग वेरी हैप्पी, वो काफी खुश लग रहा है ना। फिर क्या लिख दिया, ही इज इन कंपनी ऑफ ए डॉग, वो एक डॉग की कंपनी में है। तो ऐसे आप भी 3-4 लाइन्स इसमें लिख दीजिएगा, इसको आप फेयर कॉपी में कीजिएगा। ये जितना भी हमने बेटा यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आंसर, ये पिक्चर कंपोजिशन और अपने बारे में जो लिखना था, ठीक है, ये सब आपने फेयर कॉपी में कीजिएगा, और न्यू वर्ड्स जो हम यहाँ नीचे में लिखे हैं ये भी आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ये क्या है,
ये आपकी एक्सरसाइज के है। इसमें क्या करना है आपको, ये पिक्चर दी हुई है, इसी से आपको ये जो आपकी ग्रिड है इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए एक पॉट बना हुआ है ना, तो अप टू डाउन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ओ लिख देंगे, तो POT पॉट, और यहाँ पे कौन है, मदर है, तो ये क्या हो जाएगा, MOTHER मदर। तो आपको यहाँ पे बीच में ओ लिख देना है, ठीक है। तो ऊपर से अप टू डाउन जब आप आएंगे तो वो हो जाएगा POT पॉट, और लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, MOTHER मदर, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे एक कुक बना जो हमारा खाना बनाता है, कुक होता है ना, तो आप क्या लिख देंगे, COOK कुक, कुक हो जाएगा। और अप टू डाउन यहाँ क्या बना है, यहाँ पे एक रोड बनी हुई है, तो यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट हो गया COOK कुक, और अप टू डाउन क्या हो गया, ऊपर से नीचे तक RO, तो यहाँ पे आ ही गया था, यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ D लिखा है, तो क्या हो जाएगी, रोड, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट में देखिए यहाँ पे क्या बनी है, डक बनी हुई ना, एक बत्तख, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, DU, यहाँ पे U लिखेंगे तो DUCK डक, ये हो जाएगी डक। और फिर अप टू डाउन यहाँ पे एक काइट बनी है, तो क्या लिख देंगे, K लिखा हुआ, फिर I, फिर T लिखा हुआ, यहाँ लिख देंगे E, तो क्या हो जाएगा, काइट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये सब जो हमने व्हाइट बोर्ड पे जो भी एक्सरसाइज दी थी वो सब आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, और बाकी सब फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये सब जो थे और ये सब आप अपने बुक में ही कीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।